हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 22 मई। तो 22 मई के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 21 मई के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट मैंने आपको एक टेस्ट दिया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का आपका टेस्ट था कि इंडेक्स 2019 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंडेक्स एशियाई 2019 जो नौसेना युद्ध अभ्यास था वो हाल ही में सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ए ऑप्शन सही था और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी दिया था और काफी स्टूडेंट ने सिंगापुर के बारे में भी बताया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 मई के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो देखिए, आज का सबसे पहला करंट अफेयर है कि भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है। तो भारत में जो आतंकवाद विरोधी दिवस है ना, ये दिन हर साल 21 मई को मनाया जाता है और इस साल 2019 में भी 21 मई को मनाया गया है। देखिए, ये जो दिन है ना, ये सिर्फ भारत में मनाया जाता है 21 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस, या फिर लिखा है एंटी टेररिज्म डे। अब ये जो टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को, ये क्यों 21 मई को मनाया जाता है? देखिए, 21 मई 1991 को हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी जी, उनकी तमिलनाडु के अंदर श्री पेरुम्बदूर के शहर में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन को 21 मई को मनाया जाता है श्री राजीव गांधी जी की याद में और उनके सम्मान में। उद्देश्य भी बता देती हूँ आपको इस दिन को मनाए जाने का। देखिए, इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच आतंकवाद और हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके और आतंकवाद और हिंसा का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया जा सके, इसलिए इस दिन को 21 मई को मनाया जाता है। और पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? तो पहली बार 2015 में मनाया गया था और अब 2019 में मनाया गया है, जिसका थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दिन है ये श्री राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है, तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं बनेंगे, और भी जीके वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से, में जो मैं आपके कवर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपका पहला बनेगा कि राजीव गांधी हमारे भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो आपको पता होना चाहिए, तो राजीव गांधी जी हमारे भारत के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक ये प्रधानमंत्री रहे थे ये भी बता दीजिए, तो 1984 से लेकर 1989 तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या बनेगा कि भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो आपका आंसर होगा राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी हमारे भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी थी। आज का अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुदीप कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो सुदीप कप टूर्नामेंट जो है ये हाल ही में चीन में शुरू हुआ है। चीन के अंदर कहाँ? तो चीन के अंदर नैनिंग में से शुरू किया गया हाल ही में इस टूर्नामेंट को। देखिए, आपके एग्जाम्स में से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से कुछ बन सकता है, मैं आपको अंदाजा करती हूँ। क्वेश्चन बन सकता है कि सुदीप कप टूर्नामेंट ये किस खेल से संबंधित है। तो जो सुदीप कप टूर्नामेंट है ना, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट है ये हर 2 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो टूर्नामेंट है ये मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हमारे भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 2019 में, तो हमारे भारत की तरफ से पीवी सिंधु जी और साइना नेहवाल जी ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चाइना कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेजेंट है शी जिनपिंग। अब इसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया टूर्नामेंट से रिलेटेड, पिछले कई दिनों में मैंने आपको टूर्नामेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, तो सबको याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसीलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ सारे के सारे। मैं आपको बता देती हूँ कि ये टूर्नामेंट कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और आप लोग एक जगह पर नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा खेल से रिलेटेड। तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ, पहले ऑर्गेनाइज किए गए थे एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, आप लोगों को पता होगा ना, तो वो चैंपियनशिप चीन के अंदर वुहान में ऑर्गेनाइज की गई थी,
और दूसरी चैंपियनशिप थी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि चीन के अंदर शियान में ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके बाद तीसरा है ISSSF वर्ल्ड कप 2019, तो ये वर्ल्ड कप भी चीन के अंदर बीजिंग में ऑर्गेनाइज किए थे, चीन की जो कैपिटल है। उसके बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी, यानी कि एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये चैंपियनशिप भी चीन के अंदर निगम्बो में ऑर्गेनाइज की गई थी। और अब मैंने पढ़ाया आपको सुधीर कप टूर्नामेंट, ये भी चीन के अंदर नैनिंग में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ये सभी के सभी आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं, चीन के बारे में बता ही चुकी हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोको विडोडो दोबारा से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो शायद आपको याद होगा कि जोको विडोडो पहले थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, या फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए, दोबारा से ए ऑप्शन सही है आपका, इन्हें दूसरी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इंडोनेशिया से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, बताती हूँ मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये जो पिक्चर में दिखा रही है, ये है जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया इसकी कैपिटल जकार्ता, इसके प्रेसिडेंट बता दिए जोको विडोडो, करेंसी इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा कि इंडोनेशिया में हमारे भारत के राजदूत कौन है, पता होना चाहिए ना आपको। तो इंडोनेशिया में हमारे भारत के राजदूत है प्रदीप कुमार रावत, जो कि प्रेजेंट में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने आपको बता दी हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट तो मैं बता ही रही हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, निक्की लोडा का निधन हो गया और आपको बताना है कि वो कौन थे। तो निक्की लोडा ये ना एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे, बी ऑप्शन सही है। पिक्चर में जो दिखाई रही है निक्की लोडा फॉर्मूला 1 ड्राइवर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 70 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। और कहाँ के ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे, तो ये ऑस्ट्रिया के बहुत ही फेमस फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे। इन्होंने 3 बार फॉर्मूला 1 ड्राइविंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है, कब कब जीता ये भी बता देती हूँ। तो 1971 में इन्होंने पहला खिताब जीता था, 1972 में इन्होंने दूसरा खिताब जीता था, और 1984 में इन्होंने तीसरा खिताब जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप का। ये ऑस्ट्रिया के फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, तो ऑस्ट्रिया के बारे में पता चाहिए। यहाँ पर ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल वियना, करेंसी यूरो, और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैंडर बेलन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने मोइन उल हक को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। ये जो पिक्चर में दिखा रही है मोइन उल हक, जो कि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से हमारे भारत में राजदूत बने हैं पाकिस्तान की। देखिए यहाँ पर मैं मोइन उल हक के बारे में बताती हूँ, ये पहले ना पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस में राजदूत थे पाकिस्तान के, बट अब इन्हें भारत में राजदूत बना दिया गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का बारे में आपको बताना चाहिए, यहाँ पर पाकिस्तान, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है यूरो, प्रेजेंट है आरिफ अलवी, एंड प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की है? तो उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, सी ऑप्शन सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आपने सुना होगा, आपने सुना होगा ट्रेन 18, ठीक है, तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, और हाल ही में इस ट्रेन ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। देखिए ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा कि हमारे भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा ट्रेन 18। ऑप्शन में अगर हो तो आप वो टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में हो वंदे भारत एक्सप्रेस तो वंदे भारत एक्सप्रेस टिक लगाएंगे आप। और ये भी पता जी कि ट्रेन 18 का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो चीन की इंटीग्रल फैक्ट्री में इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। और जो ये ट्रेन है ना वंदे भारत एक्सप्रेस, ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसको पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के कमाई के मामले में सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है हमारे भारत की, इसलिए ये पहले नंबर पे है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये मार्केट कैपिटल के मामले में भी पहले नंबर पे है, और मार्केट कैपिटल के मामले में दूसरे नंबर पे भी। मैंने आपको बताया था कि TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई है, और इसके संस्थापक है धीरू भाई अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के फादर हैं,
और रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन और एमडी है उनका नाम है मुकेश अंबानी जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC, इसकी स्थापना 30 जून 1959 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरपर्सन उनका नाम है संजीव सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी थी, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाया है? तो UAE ने मनाया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। सी ऑप्शन सही है आपका। देखिए UAE में हाल ही में 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया है, और इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो यूनेस्को ने की थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी 2001 में। उद्देश्य बताती हूँ इस दिन को मनाए जाने का, तो UAE इस दिन को इसलिए मनाता है ताकि संभाल, विविधता और समावेश के महत्व को बढ़ाया जा सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। 2019 में ये दिन मनाया गया, तो इसका थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसका थीम है कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम क्या है? कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनेस्को के बारे में नोट कीजिए, फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के अंदर पेरिस में है, और स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 में हुई है। इसके डीजी जो है उनका नाम है ऑड्रे एजोले। देखिए ये फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम से पूछा जाता है। वैसे तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि आप लोगों को याद हो ही चुका होगा, क्योंकि मैं जितनी बार भी इनके नाम आते हैं तुरंत ही आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, ठीक है? तो इतनी बार सुनने के बाद तो याद हो ही जाते हैं। यहाँ पर आपको UAE के बारे में पता चाहिए। देखिए यहाँ पर UAE की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेजिडेंट है खलीफा जियाद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रसीद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारत और विदेशों में सबसे पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है कपिल शर्मा। ए ऑप्शन सही है आपका, जानते ही होंगे आप लोग ये है कपिल शर्मा। इन्हें हाल ही में विदेशों और भारत में सबसे बेस्ट कॉमेडियन के रूप में नामित किया गया है। सबके ही फेवरेट होंगे ये। कपिल शर्मा को आप लोग जानते होंगे, भारत के कॉमेडियन और एक्टर भी हैं आप, और इन्हें हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा भारत और विदेशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में नामित किया गया और सबसे पसंदीदा कॉमेडियन के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शांति दूत को UN यूनाइटेड नेशन के द्वारा मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है जितेंद्र कुमार जी। ये भारतीय शांति दूत हैं, इन्हें मरणोपरांत UN के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो उनके साहस और बलिदान के लिए इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? सम्मान का नाम बता देती हूँ, तो सम्मान का नाम है दाग हमर स्कॉटन मेडल, ये इन्हें दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन, जो कि प्रेजेंट में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है, और जिस दिन UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, उसी दिन हर साल UN डे सेलिब्रेट किया जाता है। और UN का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मीना जे मोहम्मद जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और किस देश को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो USA ने दक्षिण कोरिया और जापान को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर नोट करना होगा, सबसे पहले तो आपको साउथ कोरिया से रिलेटेड, यहाँ पर साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, इसकी कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन और प्रेजिडेंट है मून जे इन और प्राइम मिनिस्टर ली नेक प्योन। सेकेंड जापान से रिलेटेड, जापान, इसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एब। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा शहर 100% सीवरेज के पानी को रिसाइकल करने के मामले में सबसे आगे है? तो हमारे भारत के उस शहर का नाम है नोएडा। नोएडा ने 100% सीवरेज के पानी को रिसाइकल करके प्योर वाटर बनाने के मामले में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये पहले स्थान पर रहता हूँ, दूसरे स्थान पर है नागपुर। फर्स्ट सेकेंड रैंकिंग आपको याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी थी, और ये थे आपके 22 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कह चुकी हूँ आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा, तो टेस्ट है कि दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।